सैमसंग जे टू मोबाइल जिसमें कि आ रहा था अनेबल टू चार्ज। तो अधिकतर तो BSI कटने से होता है प्रॉब्लम। अगर BSI कट जाए तो हम दिखा देते हैं कि जो है ना BSI का जो है, अगर BSI प्रिंट करता है तो यहाँ से जो है जम्पर उठा के ये जो काला वाला रेजिस्टेंस देख रहे हैं इसमें आप मार के जो है बना सकते हैं। लेकिन इसका BSI ठीक था, मेरा फिर भी जो है अनेबल टू चार्ज लिख रहा था। तो उसके लिए जो है मैंने यहाँ पर देखिए, ऐसे हम पहले आपको दूसरा बोर्ड जो है दिखाते हैं जिसका IC लगा हुआ है। ये देखिए ये IC जो है आपको नज़र आ रहा होगा, ये IC है। तो इसमें भी यहाँ पे ये IC लगा हुआ था जो कि शॉर्ट कर गया था, ख़राब हो गया था। तो इस IC को यहाँ से हटा देना। हटाने के बाद यहाँ पर एक प्रिंट नज़र आएगा आपको, गौर से देखिए, यहाँ पे एक प्रिंट नज़र आएगा हटाने के बाद। उस प्रिंट पे से एक तार उठा करके बगल में जो है यहाँ पे PF है, बस उससे जो है आपको यहाँ जो है जम्परिंग करना है। गौर से देखिए जो है यहाँ पे एक तार जो है एकदम आपको प्रिंट नज़र आ रहा होगा, जो IC हटाने के बाद यहाँ पर प्रिंट रहता है, बस उससे उठा के आपको यहाँ जो है PF जो देख रहे हैं इस पर जम्परिंग करना होगा। आपको फ्रेश बोर्ड में दिखा देते हैं, ये देखिए ये IC है, ये IC है, इसको हटाइएगा तो यहाँ पर उसके किनारे में एक प्रिंट नज़र आएगा आपको। बस वो प्रिंट को हल्का जो है स्क्रेच करना है, बस वहाँ से जम्पर उठा के बस इसके नीचे यहाँ जो है PF है, बस इस पे PF के इस साइड, उस साइड अर्थ रहता है, इस साइड जम्परिंग करना है। इससे भी जो है आपको आसान तरीका एक और इसमें भी बता देते हैं। ये देखिए ये बैटरी कनेक्टर है, यहाँ पे ये IC है, यहाँ पे इसके बगल से एक जो है ना यहाँ पे इस तरह से इसे नज़र आते रहता है प्रिंट यहाँ पे इसका साइड में नज़र आते रहता है लगे रहने के बाद भी। इसको हटाइएगा, ख़राब होने के वजह से भी अनेबल टू चार्ज लिखता है और चार्जिंग बढ़ता ना है, चार्जिंग जो है और घटने ही लगता है शॉर्ट की वजह से। तो यहाँ से आपको जम्पर उठाना है और बस यहाँ ये PF जो आपको दिखाए थे इस PF के इस साइड में मारना है, उस साइड अर्थ है। ये देखिए ये दोनों को आपको एक दिखा देते हैं, ये देखिए यही यहाँ पे PF है, यहाँ पे बस इसके इस साइड में जम्पर करना है, बस यहाँ पर से एक तार उठा करके बस इस साइड मार देना है, तो आपका अनेबल टू चार्ज वाला प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। चलिए।